हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है मंगलवार और आज का तारीख है कितना 18 ऑफ अगस्त। तो मैं जैसे आप लोगों को एक दिन शेयर किया था कि मैं आप लोगों को वेफर बना के दिखाऊंगी, तो वादे के मुताबिक आज है मंगलवार और मुझे है वेज खाना। तो वेज खाने में थोड़ा ऐसा कुछ हो मिल जाता तो अच्छा बनता है ना, अच्छा मतलब खाना जल्दी चला जाता है। तो आज मेरे साथ बने रहिए, मैं बनाऊंगी आज आप सभी लोगों के लिए और मेरे खुद के लिए भी पोटैटो वेफर दुकान के जैसे। तो बने रहिए, और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस करो और बेल को भी हिट कर दो जल्दी, कर दो जल्दी। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के, क्योंकि मेरे पास बड़ा मार्केट में अभी क्या हुआ इतना बड़ा बड़ा फिलहाल पोटैटो आ रहा है, नहीं तो छोटा छोटा, तो मैं अगर खराब होता है ना तो बड़ा पोटैटो पूरा फेंकना पड़ता है, इसलिए मैं यही साइज का पोटैटो लेके अभी आ रही हूँ फिलहाल मार्केट से। तो मैंने यहाँ पे खाली आप लोगों को दिखाने के लिए 4 पोटैटो लिए हैं, लेकिन आपको अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है चिप्स तो आप ये क्वांटिटी को घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे 4 पोटैटो धो के ले लिया, अभी मैं इसको पील करके फिर इसको स्लाइस कर लूंगी और आगे का प्रोसेस भी आप लोग, मैं जैसे कर रही हूँ आप लोग वैसे फॉलो करिए। आलू छिलके हो गया है रेडी, अभी इसको पतला पतला एकदम बारीक स्लाइस करना पड़ेगा। आपके पास अगर कद्दूकस का जो स्लाइसर होता है, अगर कोई भी स्लाइसर है तो इसको आप बारीक स्लाइस कर लीजिए। मैं इसको फूड प्रोसेसर के अंदर देके स्लाइस करने के बाद आती हूँ। तो ये मेरा हो गया है पोटैटो पूरा स्लाइस, देख रहे हो कितना बढ़िया से हो गया। तो कोशिश करना आप अगर नाइफ से कर रहे हो तो इसको अच्छे से मतलब पतला पतला इक्वल स्लाइस। तो अभी क्या करना है मेरे को, ये स्लाइस जो है मैं सब एक इसमें निकाल लूंगी। तो ये मेरा बंच ऑफ स्लाइस जो है वो आ गया है एक बोल के अंदर, मैंने ऐसे फ्लैट बोल ले लिया। अभी क्या करना है, ये इसमें हमको सादा जो पानी है वो पानी डाल देनी है। इसमें क्या होता है ना, पोटैटो के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, स्टार्च रहता है, वो सेटल डाउन हो जाता है और वही प्रोसेस हमारा जो ये है इसको अच्छे से स्लाइस को जो है आप ऐसे हिला के एकदम 100% पानी के अंदर इसको डिप करके हमको रखना है। ऐसा कोई भी एक स्लाइस जो है वो ऐसा मतलब ऐसा बेयर नहीं रहना चाहिए, सब ऐसा छुट्टा हुआ रहना चाहिए, मतलब अच्छे से पानी में डिप करके रखना। तो ये जो देखिए कैसे पानी सफेद सफेद हो रहा है, इसका जो स्टार्च है ये स्टार्च पूरी तरह से निकल जाता है ना तो ही हमारा जो पोटैटो है वो क्रिस्प बनता है, यही सबसे बड़ा इसका सीक्रेट है। देखिए ये सीक्रेट ना आप लोगों को कोई नहीं शेयर करता है, ये है बेसिक रीजन। तो कभी भी पोटैटो को अगर क्रिस्पी बनाना है आपको तो इसको क्या करना है, आपको अच्छे से पानी में खंगाल खंगाल के अच्छे से, देखिए कैसे इसमें झाग भी बन रहा है, तो खंगाल खंगाल के इसको एकदम से धो लेना है। उसके बाद इस पे आप जो नमक मसाला डालना चाहते हो वो सारे चीजों को आप डाल के आप इसको मतलब फ्राई कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगी अभी इसको पूरा पानी भर के थोड़ा और पानी डालूंगी। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा कम पानी से समझाने के लिए लिया है, लेकिन मैं इतना दूर तक अभी पानी को फिल करूंगी। फिल करके इसको करीबन 4 से 6 घंटे नॉर्मल फ्रीजर में रखूंगी और उसके बाद जो है इसका बाकी का
जो प्रोसेस है वो होगा। तो मैं अभी पानी भर लेती हूँ और इसको 4 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में फ्रीज करके रखती हूँ। तो देखिए पोटैटो मेरा चला गया है फ्रीज के अंदर, फ्रीजर नहीं। और मैंने इतना इसके लिए मैंने इसको चढ़ा के वीडियो ले रही हूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए पोटैटो मेरा यहाँ तक है और इसके ऊपर करीबन 2 सेंटीमीटर तक का मैंने ऊपर से इसमें पूरा पानी डाल के रखा है। तो अभी इसको यहीं पे छोड़ के रखते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम ही है आज मंगलवार है तो मैं बनाने वाली हूँ भेज खाना। तो इसको प्रिपेयर करके मैं प्रोसेस को हाफ डन करके इधर रख दिया। बाकी का प्रोसेस मैं जॉयदीप आने से पहले, क्योंकि ये जॉयदीप का फरमाइश था कि पोटैटो आप लोगों ने फ्राई किया और खा लिया, जॉयदीप को बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज खाने में, तो वो आने से पहले मैं इसको फ्राई करूंगी। तो जॉयदीप आता है 8 बजे तक, तो मैं वो आने के बाद ये फ्राई करूंगी और तभी होगा ये वेफर का जो रेसिपी वो कंप्लीट। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ करिए मेरे वीडियो को शेयर, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर आज फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो थैंक यू मेरे चैनल में आके विजिट करने के लिए, और पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं तो कोई टिप्स और ट्रिक्स अगर मिस हो जाएगा तो आपका जो वेफर है वो दुकान जैसा नहीं बनेगा। तो आज के वीडियो में प्लीज बने रहिए, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं आज का खाना बना लेती हूँ फटाफट, फिर मिलती हूँ बाकी का जो है वो करने के लिए काम पूरा। तो तब तक के लिए बाय। तो चलिए बना लेते हैं वेफर। वाईफाई निकल रहा था, हाय राम मेरा क्या होगा। लाइट ऑन करते हैं पहले किचन का, और निकाल लेते हैं जो फ्रीज के अंदर हम डाल के रखे थे ये वाली पोटैटो। सुबह ये रहा पोटैटो, अभी इसको हम बहुत हेवी है, वाव देखिए कैसे कड़क कड़क सी बन गई, अभी फीलिंग आ रही है ना वेफर। अभी टाइम हो चुका है 8:30 करीबन बजने जा रहा है, तो मैं अभी क्या करूंगी इसको थोड़ा नॉर्मल पानी से इसको मैं धो लूंगी। नॉर्मल पानी से धोने से क्या होगा, ये तो बहुत ही ठंडा हो चुका है और तो इसका जो टेम्परेचर है ये रूम टेम्परेचर में थोड़ा आ जाएगा, और इसका जो स्टर्च है वो भी निकल जाएगा, और इसको थोड़ा सॉल्टी भी बनाना है ना हमको। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल वाटर में थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम डीप फ्राई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए मैं धो लेती हूँ इसको, रनिंग वाटर से धो लेती हूँ, फिर इसको नॉर्मल वाटर में इसको हम भिगो के जस्ट इसको फ्राई कर लेंगे, तो एकदम कुरकुरा वेफर अपना बनके रेडी हो जाएगा। ऐसे मैंने पोटैटोस को सारे धो लिए हैं और ऐसे इसका पानी भी निकाल लिए है। अभी हम क्या करेंगे, ये तो मैंने गैस में इधर तेल चढ़ा दिया डीप फ्राई करने के लिए, इधर में मैंने सादा पानी वही बोल पे जिसमें मैंने भिगो के रखी थी पोटैटोस को वही इसके अंदर मैं अभी डालूंगी नमक। ज्यादा नहीं नमक डालना है हमको, इतना सा नमक, क्योंकि पानी में भी डाइल्यूट होगी और तलने के बाद भी ना थोड़ा नमक थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो खाने में एकदम बेकार हो जाता है ये चीज। तो हम क्या करेंगे, ये तेल गरम होते होते हम थोड़ा इसमें दोबारा इसमें ये डीप कर देंगे आलू को, अच्छे से इसको डिजोल्व करना है पानी के अंदर नमक को, नहीं तो फिर इसके अंदर भी नहीं जा पाएगा। बहुत आसान है, आपको देख के ही लग रहा है ना कि उस दिन मेरा वेफर ब्लैक हो गया था इसलिए मैंने दिखाया नहीं था। ये भी एक टिप्स है इसलिए मैं बोलती हूँ कि पूरा फॉलो करिए वीडियो को। अगर हम पहले से इसके अंदर
नमक डाल देंगे तो कार्बोहाइड्रेट के साथ स्टर्च के साथ नमक रिएक्शन करके पर्पल कलर हो जाता है, और वो पर्पल कलर जितना हमारे आंखों में नहीं मतलब पकड़ पाता, हमारे जो आंखें है उसको ब्लैक दिखता है, हमारे नॉर्मल आंखों से वो ब्लैक दिखता है, एक्चुअली वो पर्पल पर्पल कलर का हो जाता है। तो कभी भी पोटैटो को नमक के साथ नहीं भिगो के ज्यादा देर तक रखना चाहिए, नहीं तो वो ब्लैक हो जाता है, यही होता है रीजन। तो कभी भी सादा पानी से भिगाइए। देखिए ये हो गया, और तेल गरम हो, जस्ट तेल गरम होगा उतना तक ही हम इसको डिप करके रखेंगे, तो जितना नमक इसमें पकड़ना होगा तो पकड़ लेगा, ज्यादा तो नमकीन ये होता नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग डिप फ्राई कर लेते हैं इसको। तेल हमारा हो चुका है भरपूर गरम, अभी ये फ्राई करने लायक हो गया, हम इसमें अभी आलू फ्राई करेंगे। ये फ्राई करते समय थोड़ा ध्यान से पोटैटो को डालिएगा, क्योंकि ये पानी में भिगो हुआ रहता है, तो इसमें देने से क्या होता है थोड़ा तेल उड़ता है, तो डरिए नहीं, ध्यान से इसको ऑयल में छोड़िए। देखिए मैं छोड़ रही हूँ, थोड़ा तेल उड़ता है, और गैस को सिम कर दीजिए, हमको धीमे आंच में इसको पका के लेना है। देखिए तेल एकदम गर्म है और ये घूम रहा है, कैसे ऐसे हम थोड़ा ऐसे ऐसे झाड़ झाड़ के हम इसको डालेंगे। तेल एक बार अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो उसको लो फ्लेम में रखना, नहीं तो ऐसा ब्राउन हो जाएगा। ये भी एक टिप्स आपको मिल गया कि तेल एकदम हाई रख के हमको नहीं इसको फ्राई करना है, तो ऐसे थोड़ा 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 डाल के हमको फ्राई कर लेना है और इंजॉय करना है होममेड वेफर को। तो चलिए मैं कर लेती हूँ ये एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके डाल डाल के इसको पूरा फ्राई, और फ्राई होने के बाद फुल लुक के साथ फिर मैं वापस आती हूँ। ये बन गया है, बन गया नहीं है पूरा, ये बन रहा है मेरा वेफर, लेकिन अभी टाइम बहुत हो गया, 8:30 ऑलमोस्ट हो गया, तो मैं एक खा के आप लोगों को बताती हूँ, इसका साउंड से फिर से मैं आपको प्रूफ दे दूंगी कि कितना अच्छा और बेहतरीन बना है। तो ये रहा वेफर, आवाज आया, मैं बहुत क्लोजअप से ले रही हूँ वीडियो। तो फ्रेंड्स आप लोग भी, मुझे ये खत्म करते करते थोड़ा टाइम लगेगा और एडिटिंग भी करना है, क्योंकि मैं डे का ब्लॉग डे में ही देती हूँ, तो इसके लिए पूरा कंप्लीट फ्राई करके मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको पक्का घर में ट्राई करिए और कोशिश करिए आलू को काट के ओवरनाइट फ्रिज में रखने के लिए, तो आपका ये वेफर बहुत अच्छा और टेस्टी बनेगा, मार्केट जैसा दुकान जैसा। मैं इसको खत्म कर लेती हूँ, इसके बाद ब्लॉग को मैं एडिटिंग करूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।